हाँ हाँ जी सर। हाँ पालीवाल जी, सॉरी मैं आपको दो बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ अब नहीं, अरे नहीं नहीं सर, ये मेरी गलती है, आप नहीं करोगे, मुझे मेरी नहीं बात नहीं सुनो नहीं सर, सुनिए मेरी बात, सर, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को, मेरी बात सुनिए। हाँ बताएं। मैं शुद्ध जाति का नहीं कहने वाला था, मेरी बात आप हाँ वीडियो देखो, मैंने मेरी बात को वहीं खत्म कर दिया, जब मेरे को कहना कुछ और था मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं क्या कह, शुद्ध मतलब कि किसी ब्राह्मण जाति का नाम नहीं बोला मैंने, ब्राह्मण मतलब प्रवृत्ति का बोला है, जैसे नहीं कि नहीं कुछ लोग कथा सर, कथा मैंने बातें करते आपको हैं, मेरी वीडियो बात सुनो। पोस्ट किया है, वापस आपका वीडियो वापस भेजा है, उसमें आपने साफ ये कहा कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरा सौभाग्य और मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कि तू सर्वश्रेष्ठ है, तुझे और ब्राह्मण होने के नाते मुझे सब कुछ कहने का हक है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है आपने, कौन से अरे शास्त्रों को पढ़ा आपने, कौन से ब्राह्मण है आप? हेलो पालीवाल जी, सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ सर, हाँ, आप कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि आप केवल ब्राह्मण होने की वजह से आप पूजनीय हो गए और बाकी जो है शूद्र है वो आपकी सारी बकवास सुनेंगे? कहाँ लिखा हुआ ये? कहीं नहीं लिखा हुआ सर। कौन से धर्मशास्त्र, कौन से भजन को गाते हैं आप? आप इतने बड़े धर्म अधिकारी हो गए कि आप सभी को जो है संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं? कितने ब्राह्मण हैं, कितने आप मेरे को बताइए, मैं 50 ब्राह्मण बता देता हूँ जिनके कर्म इतने हैं कि सारों को जूते पड़ने चाहिए। आप क्या हो, एक सिंगर हो, ब्राह्मण हो, सर सर मेरी बात आर्टिस्ट हो, सुनो क्या हो आप? सर, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मैंने ऐसे लोग देखे, मैं नशे के बारे में कहना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने अगर कोई कह दे कि श्याम पालीवाल नशा करता है या फिर किसी रही देखिए और उसके सर, सामने, ये मेरी गारंटी दी है, मैंने अपने 20-32 साल के करियर में कभी ना तो नशा किया है, मैं नशे के ऊपर कहना चाहता था और मैंने भूल में वो कह दिया है। मुझे मालूम है व्यास जी वो एक निची जाति के, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, वाल्मीकि, सब सब कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं आपसे, आप बड़े भाई हो, मुझे मुझे नहीं माफ नहीं करें, नहीं और आप सर, आप बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, सर्वश्रेष्ठ, आपको ब्रह्मा जी ने पैदा किया बहनचोद, हम तो ऐसे ही पैदा हो गए, आपको तो ब्रह्मा ने पैदा किया। सर मैंने माफी मांग मैं ली माफी जिससे चाहता ज्यादा हूँ, मैं आपने, माफी चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे को संस्कार नहीं दिए कि इस भाषा में मैं बात करूँ, लेकिन आप लोगों की जो वो वीडियो देखा ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं उसको बयां नहीं अच्छा कर तो पा। अब तो मुझे आप माफ करोगे, नहीं नहीं मतलब मैं आप, देखिए, मैं मेरी सुनिए, मैं देखिए, मैं दलित हूँ, मैं जाति का बैरवा हूँ, SC में आता हूँ और इतना काबिल नहीं हूँ, मैं मेरी बात सुनिए, मैं अपनी अज्ञानता दूर करना चाह रहा हूँ सर आपसे, प्लीज ये प्लीज मत प्लीज बोलिए, सर, ये मत प्लीज बोलो, सर, प्लीज मैं यार, आई मैंने रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे समय ले रहा हूँ सर, मैं माफी चाहता हूँ, आप इसका कोई भी जो जुर्माना हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पे करूंगा उस चीज को, आपका जितना कीमती समय ले रहा हूँ मैं, लेकिन आपने किस आधार पे सर, मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर आप कर्म प्रधान वाली बात करते हैं, मैं दलित हूँ, बिल्कुल अंडे मीट अफीम चरस भांग गांजा धतूरा कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ, मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, बोलिए बिल्कुल हो सर, आपने बिल्कुल हो किस आधार पे ये कहा? सर, मैंने ये गलत आदत से कहा, मैं मेरा उस समय मति, कहते हैं कि जिस मती समय आदमी का नहीं मति, सर, मतलब नहीं नहीं आपके दिमाग में जो ब्राह्मणवाद घुसा पड़ा है ना कि साहब मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपके माँ बाप ने ये सिखाया है ना कि आप ब्राह्मण और सर्वश्रेष्ठ हो, तो मेरे माँ बाप ने ये सिखाया है कि जो तमीज से बाहर जाए ना उसको सीधे जूते मारो, सही है, हर गलती की सजा होती है। पालीवाल साहब, बिल्कुल सर, आपने दो आप कोड़ी की बात कर दी, अपनी जितनी भी आपने अच्छे भजन गाए हैं, मैंने कहा ना आप एज ए सिंगर आई लाइक यू, लेकिन आपने जिस तरह की छिछोरी बात की ना, जिसको कहते हैं ना नाड़ी का कीड़ा मेरी भाषा में, उस टाइप की आपने बात की, ये अच्छे संस्कार नहीं है, ये इसमें आपका दोष नहीं है पालीवाल जी, ये आपके माँ बापों का जो है दोष है, उन्होंने आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रखी है, कहीं मिस्टेक की है, प्रॉपर नहीं कर पाए, वो अपनी जिम्मेदारी सही नहीं उठा पाए, आप एक अच्छे आदमी थे, अच्छे भजन गाए हैं आपने, जीवन में गाना मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि आप उसको अपने जीवन में कितना उतारते हो, मैं सर आपको मेरी बात सुनो सर, हाँ बताएं। हम मिलकर बात करेंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं मुझे सर, मालूम है मैं आपने 100% गलत हूँ, आप 1 सेकंड मेरी बात सुनो, हाँ एक बताएं, सेकंड फिर आप, मुझे मालूम है आप जो कह रहे हो वो सब सही है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, मैंने कुछ भी पता नहीं किस काम से वो, मैं सब कुछ आप जो बोलोगे वो सब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप जो नाली का कीड़ा बोलो चलो मैं वो भी हूँ, और बोलो आप नहीं मिलके बात एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आप करना सर, बोलोगे सर मैं आपसे मैं कह रहा हूँ ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी गलती करवा रही है सर, आप तो जहाँ जी बिल्कुल सुनिए, जिस भजन संध्या में आज खड़े होकर भगवान का स्मरण कराते हैं, गुणगान करते हैं, आपको बड़े बूढ़े तक नमन करते हैं, और आप इस तरह की बात करते हैं, आप अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो आप मेरे को किसी भी मूर्ति से ये कहलवा दीजिए
कि ये हाँ साहब, ये जो ब्राह्मण कुल में जो पैदा होता है वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं आजीवन आपका गुलाम रहूंगा, आजीवन, आई कैन प्रॉमिस यू, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आपको मेरी पूरी फैमिली के एफिडेविट दिलवा के कि हाँ सर, अगर यह शर्त हारता तो आजीवन इनका गुलाम रहेगा। आप किसी चीज को मानिए यार, आपके पढ़े लिखे कहाँ तक है, कुछ पढ़े लिखे हैं कि केवल संस्कृत के ज्ञाता है? हेलो, हाँ सर, हाँ पालीवाल जी, सॉरी आप शायद आवाज नहीं सुन पा रहे मेरी। मैं सब सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, आप जो बोलोगे वो सुनूंगा मैं। नहीं नहीं सर, नहीं मजा नहीं आएगा। मैंने आपको सब कुछ बोल दिया, आप ले रहे हो मजे, मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं मजे, मैं मजे ले रहा हूँ यार, आप मजे ले रहे हो, मैं मजे ले रहा हूँ सर आपके। आप बोल रहे हो मजा नहीं आ रहा है। नहीं आप बात रिप्लाई दो ना सर, क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं कहीं गलत हूँ आप मुझे बोलिए, हो सकता है मैं कहीं लाइन से गलत जा रहा हूँ, आप मुझे बोल दो। आप गलत नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके तो श्रीमुख से जो निकलता है वो सही निकल रहा है ना, आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शास्त्रों में लिखा साड़ा हूँ मैं कि ब्राह्मण अगर साड़ा गधा भी हो ना तो भी वो सर्वश्रेष्ठ है। सर इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से कहीं नहीं है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मैं अगर आपको एक मनुष्य के नाते अगर रेस्पेक्ट दे रहा हूँ तो आपका भी मान फर्क बढ़ता है कि सामने वाले को आप इज्जत दे। आपने शूद्र शूद्र शूद्र, क्या शूद्र क्या है, शूद्र हो गया तो क्या हो गया, वो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आप बताइए। शूद्र आपसे ये तो नहीं कहते कि साहब आप उनके समाज में संबंध बनाइए, बेटी व्यवहार कीजिए, रोटी का व्यवहार कीजिए, आपको समझ में आता खाइए, नहीं खाना समझ में आता मत खाइए। आप एक सिंगर है, अगले श्रोता है, ऑडियंस है आपका, सुन लिया बात खत्म होगी, लेकिन एक दायरे में तो बोलेंगे ना आप, किसी सभ्यता के दायरे को तो आप मानते हैं। हेलो, हाँ सर, हाँ सर प्लीज, मैं आप कंटिन्यू रहे तो मुझे मजा आएगा। नहीं आप मजा लीजिए, मैं हाँ नहीं मजा नहीं ले रहा हूँ सर, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि आपने इतनी ओछी बात कही, ये क्या होता है अपने परिवार के संस्कारों का असर होता है सर। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिस सिंगर के मैं इतने भजन सुनता था, इतना मैं पसंद करता था, उसकी सोच इतनी छोटी, इतनी घटिया। हेलो, हाँ पालीवाल जी सॉरी, मैं आपका टाइम जी बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ। प्रकाश माली जी इतने सज्जन आदमी, इतने अच्छे भजन गाते हैं, मैं आप पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको भी बड़ा, और जिसमें वो आपने एक भजन गाया प्रकाश माली जी के साथ, वो बड़ा शानदार लगता मुझे, मैं कई बार सुनता हूँ, लेकिन आपने जो इतनी घटिया बने वाली बात जो करी ना पालीवाल जी, बहुत गलत किया आपने। आप अपनी इमेज पे आपने ये देख ली, बदनुमा दाग लगवा लिया। क्या आप मुझे माफ करोगे जिंदगी में कभी? नहीं मैं माफ, मैं क्या लाइक, मैं सर आपको क्या माफ करूंगा, मैं एक शूद्र आदमी, आप ब्राह्मण है, मैं क्या कहूँ आपको? फिर आप मुझे पत्थर मारे, मैंने माफी नहीं सर, पत्थर नहीं मार सकता, मैं आपको पत्थर नहीं मार सकता सर, मेरे संस्कार ये नहीं कि मैं आपको पत्थर मारूं, मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया मुझे कि मैं किसी सज्जन आदमी के पत्थर मारूं, लेकिन ये जरूर सिखाया कि अगर आदमी सज्जन, आदमी सज्जनता के बाहर जाए तो उसकी उसकी सीमा के उसको अंदर कैसे किया जाता है, ये जरूर सिखाया मुझे। तो प्लीज इस तरह की पालीवाल जी कोशिश करें कि इस तरह के आप अपने शब्दों पे थोड़े लगाम रखें, मैं तो यही निवेदन करूंगा आपसे कि हर आदमी संस्कारों से बंधा हुआ नहीं होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? भागचंद बैरवा नाम है सर मेरा, मैं प्रॉपर अजमेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, फिलहाल यहाँ जयपुर में रह के छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, और भगवान ने चाहा तो कभी आपसे मिलूंगा और आपसे बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे आपसे प्रश्न माफी मांगूंगा, आप मुझे माफ करिए, और तो मेरे से गलती हुई मैं मान रहा हूँ, मेरे को कहना कुछ और था, मैंने कुछ अब क्या करूँगा, जब आदमी के कुछ नहीं कहता अभी, मतलब कुछ शब्द भी नहीं कहने के लिए, आप जो बोल रहे हो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप जो बोलोगे वो एक्सेप्ट। पालीवाल जी मैं आपसे, मेरे जो गुस्सा था बिल्कुल जायज था, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, मेरा मतलब ये कि मैं सम्मान जनक जीवन जीने का हकदार मैं भी हूँ, जितना आप सम्मानीय है उतने ना सही, कुछ सम्मानीय तो हम भी हैं, आप भी मानव है, हम भी मानव है, तो वो चीज रखें। आप कभी भी पधारे, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको घर पे नहीं खाना खिलाऊंगा, घर पे चाय नहीं पिलाऊंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, आपका होटल में व्यवस्था करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप पधारे आपका मोस्ट वेलकम है, अपन तो राजस्थानी परंपरा के लोग हैं, अतिथि देवो भव,
मानते हैं इस चीज को, आप मेरे सम्मानजनक मेहमान बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं होगा उस टाइम, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल पूरी शिकायत है आपसे, ठीक है पालीवाल जी? बिल्कुल सर, तो सॉरी। इस तरीके से नहीं करें, बाकी आपका भी शायद नुकसान होगा, मेरा तो खैर ठीक है, मैंने आपसे कह दिया, मैं आपको कह भी नहीं क्या नहीं नहीं सकता हूँ, नहीं इसमें नुकसान मेरा ही है आपका। नहीं आपने अपनी इमेज बहुत खराब करवा ली इस मामले को लेकर, इस तरीके से ना बिल्कुल करें। सर, मैं और 10 साल पीछे से 10 साल पीछे चला गया। हाँ आप पता है ना कि इस ये लाइन ऐसी है, अरे फिर भी बोलिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, कहीं ना कहीं हो सकता है हमसे गलतियां रही हो, हमारे पुरखों ने कोई गलत किया हो, गलत क्या किया, उस टाइम परिस्थितियां ऐसी थी, और हकीकत में तो देखे तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद ने इतना लोगों को लाचार कर रखा था, और हिंदुस्तान आज जो जितना पीछे है वो सब ब्राह्मणों की देन है। अगर आप मिलेंगे मुझे पर्सनली तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सर समझा दूंगा, ये एक एक चीज का प्रूफ दे दूंगा, और आप ये खुद कहें एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही करे हो आप। तो पालीवाल साहब मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर मैंने गुस्से में कोई आपको गलत अगर गलत शब्द कहे आपके पर्सनली, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, बाकी इस तरीके से ना कहें जो किसी को ठेस पहुंचाए, ठीक है? ठीक है सर। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, और जब भी मैं कोशिश करूंगा एक बार मैं आपसे जरूर रूबरू हूँ, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, मेरा आपके दर्शनों से मेरा भला हो जाए, सौभाग्य होगा मेरा। अरे सर, मैं बिल्कुल बड़ा नहीं हूँ, आप जब मिलोगे तब पता चलेगा। मेरे में वो समय कुछ, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। आप मुझे प्लीज एक्सेप्ट करें, माफ करें प्लीज। अब आप मिले तो इस बार के साथ, नहीं मिले मुझे माफ करिए इस नहीं भाई नहीं की नहीं तरफ। नहीं सर, सर बिल्कुल मैं वो चीज़ नहीं लेता, कटुता नहीं लेता, मेरे जो जवान पे होता वो दिल पे होता है, दिल में होता जो जवान पे होता है। जब आपसे मिलूंगा तो इस कटुता को लेके नहीं मिलूंगा मैं, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि जब आप मुझसे मिलें तो एक मनुष्य के नाते मिलें, ना कि एक ब्राह्मण और दलित वाले हिसाब से मिलें, क्योंकि वो फिर घातक हो सकता है आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि आप ब्राह्मणवाद से बाहर नहीं आ पाएंगे और मैं शूद्रता से बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो फिर अपने वो मिलान जो होगा ना वो ढंग से नहीं हो पाएगा। नहीं, हम करेंगे बिल्कुल सर। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप कभी भी पधारें, छोटा भाई आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन ब्राह्मण के नहीं, मैं ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ हूँ। अगर बिल्कुल एक ब्राह्मण के नाते मिलेंगे तो मैं इसी भाषा में बात करूंगा, एक मनुष्य के नाते मिलेंगे तो मनुष्यता के दायरे में रह के बात करूंगा आपसे, ठीक है, ठीक है सर? ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।